फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्चना राज किचन। तो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रही हूँ छोले भटूरे। छोले भटूरे बनाने के लिए मैं यहाँ पे छोले डिप करूंगी। इसे हम 6 से 7 घंटे डिप करेंगे। तो मैंने यहाँ पे छोले डाल दिए हैं और इसको पानी से इस तरीके से, और इन्हें हम रख देंगे 6 घंटों के लिए। तो हमारे छोले बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। देखिए, इनको 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। इनफैक्ट मेरे छोलों को तो 8 घंटे हो चुके हैं। आप कितने टाइम भी भिगो सकते हैं, बस मिनिमम 6 घंटे होने चाहिए। तो चलिए, मैं यहाँ लेती हूँ कुकर। अब हम इन छोलों को इसमें डाल देंगे। मैंने छोलों को साफ पानी से भी 2 बार साफ कर लिया है, तो आप भी इसको 1-2 बार पानी से निकाल लें। और अब हम इस कुकर में डाल देंगे इन छोले को। और फ्रेंड्स, याद रखें कि बहुत सारे लोग चाय पत्ती भी यूज करते हैं छोले में, तो मैं यहाँ चाय पत्ती यूज नहीं करती हूँ। मैं चाय पत्ती की जगह यूज करती हूँ अनार का छिलका, जो छोलों को काला करने में हेल्प करता है और उनका जो कलर है वो एकदम काला कर देता है। तो आपको अगर काले छोले पसंद है तो आप ये अनार के छिलकों का यूज करें। सिर्फ ये छिलके इसमें ऐड करने हैं और आपको कोई चाय पत्ती यूज नहीं करनी है। और इसमें मैं डालूंगी खड़े मसाले। तो यहाँ डालूंगी मैं तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, दालचीनी और लौंग, काली मिर्च। मैं इन्हें बॉईल करते टाइम ही डालूंगी क्योंकि इसका फ्लेवर अच्छे से छोलों में आ जाए। और करेंगे ऐड नमक। तो हम यहाँ नमक ऐड कर देंगे। अब हम डालेंगे इसमें पानी और हम इसे बॉईल करने रख देंगे। आपको छोलों में 4 से 5 सीटियां लगानी है मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए, अब हम तैयार करते हैं भटूरे के लिए मैदा। तो मैं यहाँ मैंने 2 कप मैदा ली है और उसमें मैं ऐड करूंगी सूजी। तो सूजी को मैंने, देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट पहले डिप कर दिया था पानी में। तो इस पानी को अब हम इस छलनी में छान लेंगे। पानी का यूज नहीं करना है हमें, तो पानी को इस तरीके से निकाल देंगे और इसको भी हम हाथ से इस तरीके से इसका पानी निचोड़ लेंगे और हम इसे मैदे में ऐड कर देंगे। और इसमें मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच इनो। इनो का यूज अब अभी करती हूँ। और यहाँ अब हम लेंगे दही। तो पहले हम इस तरीके से मैदे को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सूजी अच्छे से मिक्स हो जाएगी मैदे में। तो इस तरीके से आप अपने मैदा को अच्छे से मिक्स कर लें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। पानी और तेल का यूज नहीं करना है फ्रेंड्स अभी। तो अभी हम डालेंगे इसमें दही और दही के साथ साथ हम इसे ऐसे मिक्स करते रहेंगे धीरे धीरे इस तरीके से। अपनी मैदा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमारा मैदा सेट हो चुका है। अब हम इसे इस तरीके से 10 मिनट तक काफी अच्छे से गूंद लेंगे और इसमें जब तक चिकनापन ना आ जाए ऊपर, तब तक हम इसे इस तरीके से गूंदते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मैदा गूंद के तैयार है भटूरों के लिए। इसमें वो चिकनापन जिसकी मैं बात कर रही थी वो आ चुका है। इसको ज्यादा गीला भी नहीं करना है, नहीं तो हमारे भटूरे अच्छे से बेलेंगे नहीं। तो इस तरीके से इसको गूंद लिया है ना। मैंने इसमें पानी का यूज किया है, इसे मैंने दही के साथ गूंदा है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस तरीके से। इसके ऊपर आप ऑयल लगा दें। ऑयल लगा के हम इसे एक बाउल में रख देंगे। इस तरीके से हम इस बाउल में रख देंगे और ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसे हम 3 घंटों के लिए रख देंगे। 3 घंटे में अच्छे से फूल जाएगी और उसके बाद हमारे भटूरे फूले फूले बनेंगे। तो हम इसे ढक के 3 घंटे के लिए रख देते हैं। तो देखिए, हमारे छोले बॉइल हो चुके हैं और हम इसे खोल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, छोले बिल्कुल काले हो चुके हैं। हमने किसी भी चाय पत्ती का यूज नहीं किया है, सिर्फ इन अनार के छिलकों का यूज किया है। अब हम इन अनार छिलकों को निकाल के फेंक देंगे और हमारे छोले बहुत अच्छे से बॉइल्ड हो चुके हैं। कलर भी देखिए कितना अच्छा हो चुका है इनका। तो चलिए, अब हम बनाते हैं छोलों के लिए मसाला, प्याज टमाटर का। तो यहाँ पे मैंने लिए 4 प्याज,
चार टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। तो अब हम इसको एक जार में डाल लेंगे मिक्सी के में और हम इन्हें ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से, इनको पीस लेंगे। तो सारी चीजें एक साथ ही पीस लें, अलग अलग पीसने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई प्याज लहसुन नहीं खाता है तो वो टमाटर के साथ मखानों को पीस के ग्रेवी बना सकता है, वो छोले भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मखानों को 10 मिनट पहले पानी में डिप कर दें, फिर टमाटर के साथ उन्हें पीस दें, तो वो ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरीके से इनको कट करके जार में डाल दें और इन्हें पीस लें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ग्रेवी का मसाला पीस के तैयार है। तो चलिए अब हम गैस पे रखते हैं कुकर छोले बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने रख दिया कुकर, गैस को कर दिया ऑन। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और मैं हाई फ्लेम कर दूंगी तेल को गरम करने के लिए। तो हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा और हींग और जो हमने मसाला बना के रखा था प्याज टमाटर का ग्रेवी के लिए, वो ऐड कर देंगे। तो हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, काफी अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, हल्दी और मिर्च, जो मैंने 5 मिनट पहले पानी में डिप करके रख दिए थे, वो देखिए अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम ये मसाला इसमें ऐड कर देंगे और हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे। देखिए हमारा मसाला भी अच्छे से पक चुका है, अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने छोले जो हमने बॉइल्ड करके रखे हुए थे, और देखिए कितना अच्छा कलर है इन छोलों का। तो हम इसमें ऐड कर देंगे, इसमें हमारे सारे खड़े मसाले थे तो मैंने खड़े मसाले इसीलिए तेल में नहीं डाले क्योंकि ऑलरेडी इसमें मसाले थे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें हम टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद ही हम नमक ऐड करेंगे क्योंकि हमने नमक बॉईल करते टाइम भी डाला था छोलों में। तो हम नमक टेस्ट कर लेंगे, अगर कम है तो आप नमक ऐड कर दें। बाकी पानी मैं नहीं ऐड करूंगी क्योंकि मैं छोले थोड़े कम ग्रेवी वाले बनाऊंगी जिससे भटूरों के साथ अच्छे लगे। अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इन्हें 15 से 20 मिनट मीडियम फ्लेम पे रख दें, अच्छे से मसाला छोलों में मिक्स हो जाएगा तो हमारे छोले इनके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम भटूरे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी रिफाइंड को थोड़ा ज्यादा रखें जिससे हमारे भटूरे अच्छे से डीप में सिके, जिससे फूल अच्छे से फूलेंगे। तो रिफाइंड को थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, तेल गरम होता है तब तक। चलिए हम एक मसाला बना लेते हैं जो इसे हम सैलेड में डाल देंगे, मिर्ची को। तो यहाँ पे मैंने रख लिया है मसाला बनाने के लिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मस्टर्ड ऑयल, इसको गरम कर लेंगे। ये मैंने यहाँ इस तरीके से मिर्चियां काट के रखी हुई हैं, इस तरीके से आप मिर्चियों को काट लें। यहाँ पे मैंने गाजर भी काट ली है और ये मसाला है जो अचार का मसाला होता है, ये मार्केट में इजी मिल जाता है। आप वहां बोल सकते हैं कि मिर्ची या आम के अचार का मसाला दे दे तो वो मिल जाएगा इजिली। तो यहाँ मैंने ये मसाला लिया हुआ है, तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी मिर्ची। मिर्चियों को हम इस तरीके से डाल देंगे और इसी के साथ हम डाल देंगे मसाला। और हम इसमें ऐड कर देंगे गाजर, स्पून से इसे अच्छे से चला लें, ये अच्छे तरीके से छोले के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है ये मसाला। मिर्ची, गाजर, इनको अच्छे से बना लें। अच्छा मसाला सैलेड बन चुका है,
और यहाँ पे मैंने आलू भी बॉईल करके रखे थे, तो इस तरीके से मैंने आलू को भी फ्राई कर लिया था थोड़ा सा घी में। तो अब हम इसे निकाल देंगे और जो भी ये तेल इसका या घी बचा है इसमें हम अचार में डाल देंगे इसे। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है जो मैंने कढ़ाई रखी हुई थी गैस पे, अब हम इसे कर देंगे हाई फ्लेम, और हाई फ्लेम में ही रखें गैस क्योंकि भटूरे हाई फ्लेम में ही सिकेंगे तभी फूलेंगे। तो चलिए अब हम भटूरे बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो भटूरे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से पेड़े बना दिए थे, इसमें हमें मैदे का यूज नहीं करना है, इस तरीके से मैंने पेड़े बनाए थे और इस तरीके से इस पर रिफाइंड लगा दिया है। थोड़ा सा रिफाइंड आप और लगा लें और फिर हम इन्हें बेलना शुरू कर देंगे इस तरीके से। मैदा है जितना बेलोगे उतना सिकुड़ जाती है, तो आप इस तरीके से एक ही शेप में बेलते रहें और जब आपको कढ़ाई में डालना हो तो इसको उठा के डाल दें। तो देखिए मैं इसे लंबे तरीके से बेलूंगी, आप चाहें तो गोल में भी बेल सकते हैं लेकिन मैं भटूरे लंबे शेप में बनाऊंगी। तो इस तरीके से इसे लंबा लंबा बेल दें क्योंकि जब आप उठाओगे तो वो छोटा हो जाएगा। तो आप इसे थोड़ा, और तेल देखिए हमारा गर्म हो चुका है, हाई फ्लेम पे है तो इसे हम देख लेंगे कि हमारा तेल हो चुका है। देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसे जो भटूरा हमने बेल के रखा है उसे हम इसे इस तेल में डाल देंगे। और इस तरीके से हम इसके ऊपर कलछी को चलाएंगे जिससे वो अच्छे से फूल जाए। देखिए हमारा भटूरा अच्छे से फूल गया है, इसे थोड़ा और प्रेस कर देंगे जिससे अच्छे से फूल जाएगा। और मैंने यहाँ भटूरा थोड़ा मोटा बेल दिया था तो हम नेक्स्ट टाइम थोड़ा पतला बेलेंगे। देखिए हमारा भटूरा बन चुका है, इस तरीके से हम सारे भटूरे अपने बना लेंगे। देखिए भटूरा हमारा कितने अच्छे से फूल रहा है, ना हमने इसमें बेकिंग सोडा का यूज किया है, काफी अच्छे से। ये मैंने भटूरा थोड़ा पतला बेला था तो ये काफी अच्छे से फूल चुका है, बहुत ही अच्छे भटूरे बन रहे हैं। देखिए हमारे भटूरे कितने अच्छे से फूल रहे हैं और सारे ही भटूरे फूल रहे हैं। तो आप इसी तरीके से भटूरे बना लें। तो हमारे छोले भी बनके तैयार हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चॉप धनिया, जो हरा धनिया मैंने काट के रखा था इसको डाल देंगे। और देखिए हमारे छोले कितने अच्छे से बन चुके हैं, कोई हमने अलग मसाला यूज नहीं किया है, सिर्फ घर के वही तीन मसाले यूज किए हैं, हल्दी धनिया मिर्ची, और उससे ही हमारे छोले देखिए कितने अच्छे बन गए हैं। तो इन्हें खाने के बाद भी हमें कुछ अनईजी फील नहीं होता, पेट में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप इस तरीके से छोले घर पे बनाएं भटूरों के साथ, और देखिए हमारा भटूरा भी कितना अच्छे से फूल गया है। और ये भटूरे काफी अच्छे होते हैं, इन्हें ठंडा होने के बाद भी आप खा सकते हो क्योंकि इसमें हमने सूजी ऐड की है, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं ठंडे होने के बाद भी। तो हमारे छोले भटूरे बनके हो चुके हैं तैयार। ये मैंने मिर्च मसाला गाजर सैलेड बनाया था वो है, ये मैंने आलू फ्राई किए थे जो छोलों के साथ हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो छोले भी हमारे तैयार हैं और भटूरे भी हमारे काफी अच्छे से फूल चुके हैं, देख सकते हैं आप कितने सॉफ्ट और अच्छे हो चुके हैं। तो ये हमारे छोले भटूरे बनके तैयार हैं और आज हम इन्हें लंच में खाने वाले हैं। अगर आपको भी पसंद आया हो तो आप घर पे ट्राई जरूर करें और इन्हें बनाएं और हमें कमेंट में बताएं कि कैसे बने थे। अगर पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।